अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुदीना और नारियल से बनी सूखी चटनी की रेसिपी। तो ये पुदीने की चटनी जो है बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है, और जिन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, हाजमे की प्रॉब्लम, और जिन्हें भूख नहीं लगती, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो फिर चलिए हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले देखिए, मैंने चूल्हे पर ये फ्राई पैन रख दिया है, आप इसकी जगह पर तवा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम ये 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये ज़ीरा भुन चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। और अब देखिए, ये मैंने 4 हरी मिर्च ली है, इसे भी हमें भून लेना है। तो इस तरह से हम इसे प्रेस करते हुए दबाकर इसे भुनेंगे। तो इस तरह से दबाकर आप इसे भुनेंगे तो ये जल्दी भुन जाएगी, वरना ये बहुत टाइम लेती है रोस्ट होने में। तो ये देखिए, ये मिर्ची भी हमारी भुन चुकी है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसके बाद देखिए, ये मैंने नारियल लिया है स्लाइस में कटा हुआ, तो इसे भी हम भुनेंगे। और इसकी क्वांटिटी देखिए, ये मैंने 1/4 कप लिया है। बस हल्का हल्का हमें इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें इसका नहीं करना है। तो ये सूखा नारियल है इसलिए मैं इसे भून रही हूँ, अगर आप फ्रेश नारियल का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको उसे भूनना नहीं है, आप डायरेक्ट ही उसे चटनी में यूज़ कर सकते हैं। तो सूखा नारियल यहाँ पर मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सूखे नारियल की जो चटनी है वो आप 4 से 5 दिन भी रख कर खाएंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। फ्रेश नारियल की चटनी आप ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि इसमें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे नारियल भी भुन चुके हैं, तो इतना ही हमें इसे भुनना है, बहुत ज़्यादा डार्क हमें इसे रोस्ट नहीं करना है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो इसके बाद देखिए, ये मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें हमने जो चीज़ें रोस्ट की है उसे पहले हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी को पीसते वक्त हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए हम पहले सारी ड्राई चीज़ों को पीस लेंगे। तो ये नारियल को अच्छी तरह से पीसने के बाद हम इस जार में लहसुन ऐड करेंगे। तो ये मैंने 9 से 10 जवे लिए हैं लहसुन के, और ये हरा धनिया मैंने 1/2 कप लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये पुदीना भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये पुदीना मैंने 1 कप लिया है। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं। हसबे जायका इसमें नमक ऐड करेंगे और फिर दोबारा से इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये चटनी को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, हमारी जो चटनी है पुदीना और नारियल की वो रेडी हो चुकी है। तो ये चटनी बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से बन जाती है, तो जिन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इस चटनी को वो ज़रूर यूज़ करें, तो उन्हें बहुत ही फ़ायदा होगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे 1 टाइम सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।